नमस्कार दोस्त। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पहले टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, अब इंडिया गठबंधन को बनाने वाले नीतीश कुमार भी इससे अलग हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं, उनके दोबारा से एनडीए में जाने की पूरी संभावना है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की वापसी को मंजूरी दे दी है, ऐसे में बिहार विधानसभा भंग की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को पटना बुलाया है, हालांकि क्लिक इंडिया इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को परिवारवाद को लेकर लालू परिवार पर निशाना साधा था, जिससे बिहार की सियासत में हंगामा मच गया। लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में तल्खी बढ़ने लगी है। विपक्षी दलों के महागठबंधन में तल्खी का असर 25 जनवरी को हुई नीतीश कुमार की कैबिनेट मीटिंग में भी दिखा। बैठक जल्द खत्म हो गई और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द कर दी गई। नीतीश कुमार ने परिवारवाद की आलोचना करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से लालू परिवार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा, आजकल तो लोग अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कर्पूरी जी ने कभी ऐसा नहीं किया। जननायक से सीखकर हमने भी कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। कर्पूरी जी के जाने के बाद हमने उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को आगे बढ़ाया। कौन क्या बोलता है बोलता रहे। बिहार में सियासी हंगामे के बीच लालू की बेटी रोहिणी ने सोशल मीडिया के जरिए नीतीश कुमार को जवाब दिया था। रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक तीन पोस्ट किए। पहले पोस्ट में उन्होंने लिखा था, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है हवाओं की तरह जिसकी बदलती विचारधारा है। हंगामा बढ़ने पर रोहिणी ने सभी पोस्ट डिलीट कर दी। बहरहाल नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होते हैं या फिर नहीं, यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन बिहार की सियासत में लगातार हंगामा मचता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन भी टूट की कगार पर नजर आ रहा है।